डेली न्यूज की ट्रेवल सीरीज में आपका स्वागत है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्नोफॉल देखने का बहुत शौक होता है। उन्हें घूमने फिरने का सबसे बेस्ट सीजन सर्दियां लगती हैं। नए साल में अगर आप भी हिल स्टेशन जाकर बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी भी बर्फबारी नहीं देखी है तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दिसंबर और जनवरी के महीने में आप बर्फ और स्नोफॉल दोनों का मजा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कुफरी से। कुफरी हिमाचल प्रदेश के सबसे ऑफ बीट हिल स्टेशनों में से एक है जो शिमला से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सर्दियों में बर्फबारी, खूबसूरत जगह और याक की सवारी करना चाहते हैं तो ये जगह बेस्ट साबित होगी। नारकंडा। नारकंडा सिर्फ विस्परिंग पाइन के पेड़ों और घाटी के मनमोहक दृश्यों से बहुत अधिक है। इस जगह को भारत के सबसे पुराने स्की डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। ये जगह एक गांव की तरह दिखती है और आपको सोशल मीडिया पर इसके बहुत सी बेहतरीन तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। तवांग। सिक्किम में उत्तर पूर्व भारत की सीमाओं पर तवांग घाटी की यात्रा भी आप कर सकते हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश में वो जगह है जो आपके होश उड़ा सकती है। बौद्ध मठ हो और अपने शांत वातावरण के साथ किसी भी शांति प्रिय टूरिस्ट के लिए ये बेस्ट जगह है। ये शहर धर्म, इतिहास और प्रकृति के एक मिश्रित मिश्रण में सराबोर है। सोनमर्ग। बर्फ देखने के लिए जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह हो ही नहीं सकती। सोनमर्ग श्रीनगर से सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव पर दो हिमालयों के ग्लेशियरों कोलहोई और माचोई के बीच स्थित है। यहाँ का तापमान 0 से 10 डिग्री कम हो सकता है। यहाँ एडवेंचर के दीवाने भी बहुत सारे हैं क्योंकि ये कई लोकप्रिय ट्रैक के करीब स्थित है। औली। औली उत्तराखंड में सबसे शानदार टूरिस्ट शहरों में से एक है। ये एक आकर्षक स्की टाउन भी है जिसे हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ओक के जंगलों से घिरा औली 2505 मीटर की ऊंचाई पर है और हिमालय के मनोरम दृश्यों को यहाँ से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। धन्यवाद।